सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हो कि हमारी जो मोटो व्लॉगिंग है वो दोपहर को हम लोग कर रहे हैं आज। और यार, धूप जो है बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग देखो कि बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई है। और आज जो है हम लोग ऐसे जाएंगे लखनऊ के फेमस एरियाज में, जो पुराना लखनऊ है उसके साइड जाने की कोशिश करेंगे, जैसे हजरतगंज हो गया। और वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग लखनऊ में होंगे। ये देखो, कहा था ना जाम जो है इस वक्त हम लोग को बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, तो वो हुआ भी सेम, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। और अभी हम लोग जो है जाम से निकल आए हैं, तो अब देख सकते हो कि थोड़ा यहाँ पे रोड अच्छी है, तो यहाँ पे जाम भी इतना नहीं लगता है। जो अब हमें जहाँ तक जाना है वहाँ पे तो जाम तो नहीं लगता है, बस जो है हमें मेन डेस्टिनेशन में जो हमारी है वहाँ पे जाम ना हो, हज़रतगंज में, क्योंकि पुराना लखनऊ साइड है, बहुत ज़्यादा जाम वहाँ पर भी कभी कभी रहता है। और मेन चीज़ अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो वो है हमारा सेटअप जो है चेंज हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को अब जो है वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी शायद से अच्छी लग रही हो, क्लियर लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। और व्लॉग्स जो है वो मैंने आप लोग को बताया जैसे कि कम्युनिटी पोस्ट करके, कि मेरे व्लॉग्स भी जो है सैटरडे संडे ज़्यादातर आएंगे, मतलब आज तो नहीं लेकिन हाँ अगली बार से जैसे फोकस करेंगे कि सैटरडे संडे को ही डालें व्लॉग। आज का व्लॉग पता नहीं आप लोग कब देख रहे हो। आई होप कि जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी क्लियर होगी, क्योंकि मैं स्पीड में चला रहा हूँ अभी बाइक, शायद से तब भी क्लियर हो ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि नीचे से तो जो हेलमेट है वो हमने कवर कर दिया है, ज़्यादा एयर जो है वो अंदर आए कि नहीं अब ऐसे तो। और आजकल पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि जो हमारे वीडियो में व्यूज़ हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे आप लोग जाके देख सकते हो कि टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो जो उसमें, जैसे मेंटेनेंस वाले वीडियो थे उसमें तो ज़्यादा व्यूज़ आते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उनमें भी वीडियोज़ में व्यूज़ कम हो गए हैं। ऐसा कोई ग्लिच हुआ या फिर कंटेंट तो यार काफ़ी मैंने अच्छा फोकस करके अच्छे से डाला था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो जो वीडियो है उसमें कम व्यूज़ आए। अभी हम लोग आ जाएंगे कटौता, और यहाँ से अभी पहले जाएंगे पेट्रोल डलाने, उसके बाद जो है हम अभी निकलेंगे अपने रास्ते के लिए। और जो है मौसम थोड़ा धूप ज़्यादा तेज़ है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को गर्मी बहुत लग रही है आज। सो अभी जो है रोड थोड़ी अच्छी है, मैंने पिछली बार भी आप लोग को बताया था। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अब पेट्रोल पम्प, और डलाते हैं पेट्रोल, और देखना रिएक्शन। जो पेट्रोल डालते हैं ना वो तो ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि क्या पेट्रोल चुराग भाग रहे हैं, सब देखने लगे। वो वाला खुला होता है तो वहाँ से डलवाते, वो नया खुला है ना अभी, तो अभी जो है पेट्रोल डलवाने आए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा पब्लिक रिएक्शन, मतलब कि हंसी आती एकदम। डालो भैया इसमें 150 का। डेढ़ सौ 150। सो गाइस, पेट्रोल जो है डलवा लिया हम लोगों ने, और देखा कि मतलब टाइम बहुत लग गया पेट्रोल लाने में, वहाँ पेट्रोल पंप वालों की लड़ाई होने लगी थी बेसिकली। तो अभी जो है हम लोगों को जाना है अभी यहाँ से 11 किलोमीटर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक दिखा नहीं रहा है रूट में। अब क्या पता अगर आगे चल के हो गूगल मैप कब पलट जाए, मतलब बीच बीच में जो है देख सकते हो आप लोग बदली हो रही है और बीच बीच में धूप हो रही है। अगर मौसम अच्छा हो जाए यार तो वीडियो बनाने में मज़ा आ जाए, बारिश का अगर मौसम हो जाए यार कसम से एकदम मज़ा ही आ जाएगा। और अभी जो है हम लोग जा ही रहे हैं बस, और ये देखो फिर से धूप हो गई, बस ये सबसे ख़राब मौसम लगता है जो बार बार बदली धूप ये होती है। ये रोड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोड है, जैसा कि आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा प्रो राइडर 1000 का जो है एक्सीडेंट हो गया है, और बाकी बहुत बड़े यूट्यूबर थे जैसा कि जानते हो कि 1.5 मिलियन करके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर जो भी कहो थे, और एक्सीडेंट में ही डेथ हुई है उनकी। लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उनका जो कैमरा है वो मिला भी नहीं है। तो यार बहुत ही मतलब सैड फील हुआ। और दूसरी चीज़, गियर्स वगैरह भी पहने हुए थे, हेलमेट वगैरह, और जैसा कि जानते हो कि हमेशा पहन के जाते हैं मोटो व्लॉगर्स, वैसे ही गए थे सेम। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सर उनका जो है थोड़ा सा उसमें कोई गाड़ी वगैरह चल गई कि क्या हुआ, जो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी।
बहुत ही मतलब ख़राब लगा जो है मोटो व्लॉगिंग एरा जो है था एक। और ये यार ये पुल जो है लखनऊ का एकदम स्मूथ है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। और यार स्पीड अप कभी मत करना आप लोग, अगर आप लोग ने भी हेलमेट वगैरह नहीं पहना है ऐसे स्पीड अप करना भी बहुत ख़तरे वाला हो सकता है काम। तो मैंने तो भी सब हेलमेट वगैरह पहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी बाइक जो है, और ये देख सकते हो कितना स्मूथ है ये पुल, जिस वजह से बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आती है। और यहाँ से भी मतलब बहुत ज़्यादा रास्ता रहता है जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग जानते हो तो फन वाली रोड जो है वो भी यहाँ से पड़ती है सीधा जाने में। और जो गली है यहाँ की, गलियाँ सड़कें जो भी हैं वीआईपी है एकदम, यहाँ से जो है एकदम स्पीड में ही गाड़ियाँ चलती हैं। और यार विजिबिलिटी जो है वीडियो की देख सकते हो कितनी क्लियर है, मतलब ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी जो है, अचानक से मैंने इसको जो है अपग्रेड किया हेलमेट को, जिससे कि ये दोनों चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं बहुत अच्छे से, क्लियर और ऑडिबल विजिबल जो भी कहो सब कुछ है। तो यार अब मोटो व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आप लोग को भी देखने को मिल रहे होंगे। तो अभी जो है ग्रीन लाइट ही है, अच्छा हुआ रेड लाइट नहीं है, वरना खड़े खड़े यहीं पर हो जाता। और ये रोड देख सकते हो यार, वाओ मतलब इतनी चौड़ी रोड है कि यहाँ पे आप लोग पूरा एक तरफ चलाओगे तो आप लोग की स्पीड जो है हाई होगी। और यहाँ पे जो है जैसा कि बेसिकली ज़्यादा एनिमल्स भी अचानक से बीच में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो साइड से तो यहाँ से तो आएंगे नहीं आप लोगों, जैसा देख सकते हो, लेकिन वहाँ से जो है थोड़ा बहुत आने के चांसेस हैं। तो स्पीड अप बेसिकली करना नहीं चाहिए चाहे जो, अभी जो है थोड़ा करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं एफ जेड की स्पीड अप। एकदम इनिशियल ब्रेकिंग, सो 100+ स्पीड ले गए थे अभी, अभी चाहते थे और ले जाते 115 120, लेकिन रेड लाइट हो गई थी तो अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, तो उसके लिए सेफ़ नहीं है वो। और यहाँ से जो है हमें लेना है, यहाँ से सर घूमना है हम लोगों को। और यहाँ से अभी 4.5 किलोमीटर है और यहाँ से हम लोगों को घूमना है। और यार दोपहर है तो मतलब ज़्यादा लोग निकल नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा जाम यहाँ पे कम है इस साइड। मुझे लगा था होगा यहाँ पे जाम, लेकिन कुछ ज़रा सा भी जाम नहीं मिला हम लोगों को यहाँ पे। और वो जो एरिया है हज़रतगंज, वहाँ पे एक मार्केट है जनपद मार्केट, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो वो मार्केट पे ज़रूर ट्रैवल करना। वहाँ पे वहाँ का फील ही आप लोग को आएगा फॉरेन टाइप का, जैसे पुराना टाइप का फॉरेन नहीं होता है वैसे ही आप लोगों को फीलिंग एकदम आएगी। तो आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। और अभी तो सीधा चलना है हम लोगों को कुछ देर तक। और यहाँ बेसिकली पहली बार मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और अभी लखनऊ की बहुत सारी जगह बची है जो मैंने नहीं की मोटो व्लॉग, लेकिन अभी करनी बाकी हैं। और अभी क्वालिटी बता देना यार अगर कमेंट करके हो सके कि कैसी क्वालिटी आ रही है ऑडियो और वीडियो दोनों की। और होता है ना क्या मोटो मोटो व्लॉग के साथ होता क्या है ना कि मतलब हम लोगों को कैमरे पे भी ध्यान देना पड़ता है, सामने रोड पे तो देना ही पड़ता है, रोड पे जो है 80% ध्यान देना ही देना है, 80 क्या 90 कह लो, और 10% ध्यान बीच बीच में जो है कैमरे पे देते रहना है। वीडियो भले ना बन पाए लेकिन जो बाइक है जो रोड में देखना है हम लोगों की, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, कोई कोई ट्रेजिडी ना हो, वो देखना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो भले ना बन पाए फिर से बन जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग रोड पर ध्यान दोगे तो आप भी सेफ़ रहोगे और कोई दूसरा भी सेफ़ रहेगा, इसलिए जो है रोड पर हमेशा ध्यान देखना पहले। और यार जो व्लॉग्स होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं मोटो व्लॉग, क्योंकि यार देखो होता क्या है ना कि पूरे अच्छे से जो व्लॉग हैं अगर मैं उसको छोटा कर दूंगा तो कवर नहीं हो पाते, मैंने बहुत कुछ बोला होता है और कुछ ही जो लाइन्स होती हैं काटता हूँ, ज़्यादा काटता नहीं हूँ, जो लगता है कि नहीं इसका अननेसेसरी है, और बाकी सब जो है नेसेसरी लगती हैं, रोड्स वगैरह भी स्पीड वगैरह भी, तो लगता है कि काटने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, इसलिए जो व्लॉग है थोड़ा लंबा आता है, शायद से ये वाला भी थोड़ा लंबा आ जाए। तो अभी आ चुके हैं यहाँ हम लोग काफ़ी पास हज़रतगंज के, और ये अभी बचा है 2.3 किलोमीटर, जो कि लगभग 2 से 3 मिनट में 5 मिनट में आ जाएंगे हम लोग। और अभी फ़िलहाल जाएंगे मैकडोनल्ड्स, अपने काम से खाने पीने ही आए थे। ये देखो कैसे निकलते हैं एकदम, मतलब वन साइड रोड, मतलब एक ही साइड एक ही रोड में दोनों गाड़ियाँ चलती हैं, तो जो सामने वाले हैं वो
इधर ही आ जाते हैं कभी कभी अपने साइड। हमेशा इस साइड चलाओ अपने साइड, ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ज़्यादातर ऐसे रोड में, अगर हो पाता है तभी करें। तो अभी हम आ चुके हैं हज़रतगंज, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ की मार्केट कितनी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा पुराना साइड है। और आ चुके हैं मैकडोनल्ड्स भी, आप लोग देख सकते हो ये है हमारा मैकडोनल्ड्स, जहाँ पे अभी अंदर जाएंगे थोड़ा खा पी लेंगे। बाकी यहाँ कहीं पार्किंग देख लेते हैं कहाँ पे सेफ जगह है, क्योंकि यहाँ तो नहीं है। और यार मतलब पुराना लखनऊ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जिस हिसाब से आप लोग देखना चाहो, सिटी तो अगर देखो तो वो भी काफ़ी अच्छी बन चुकी है अब नई लखनऊ की, लेकिन पुराना लखनऊ साइड भी काफ़ी अच्छा है। और अभी बस सीधा हम लोग जाएंगे यहाँ मैकडोनल्ड्स के अंदर, उसके बाद खा पी के बाहर आके फिर से व्लॉगिंग करेंगे घर जाते हुए। ये है हमारी पार्किंग, इसके अंदर जाना है और एकदम कमर टेढ़ी हो गई बाइक चला चला के। सो अभी हम लोग आ चुके हैं मैकडोनल्ड्स, और यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा मैकडोनल्ड्स है, एकदम स्टारबक्स की तरह लुक है। और यहाँ भी खाने पीने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज अभी जो है हम लोगों ने मैकडोनल्ड्स में खाना पीना जो है खा लिया है, बर्गर वगैरह ले लिए थे, और बहुत मतलब कि अच्छा है यहाँ हज़रतगंज का मैकडोनल्ड्स, काफ़ी अच्छी सर्विस है। और अगर आप लोग आना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, और केवल मैकडोनल्ड्स का ही स्टोर है यहाँ पे, जैसे मॉल वगैरह में होता है मॉल वगैरह में नहीं है, अलग से ही स्टोर है, एकदम स्टारबक्स वगैरह टाइप का लुक है उसके अंदर का, जैसे कि आप लोग जाके देख पाओगे। तो अगर आना तो यहाँ का मैकडोनल्ड्स ज़रूर ट्राई करना, और भले ही कुछ ना ट्राई करो। और ये जैसे ईयरफोन लगा के चलाना गाड़ी, वो जैसे सामने है हमारे एकदम बगल से हॉर्न बजा रहे हैं, हम लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तो ईयरफोन लगा के गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, और क्योंकि जो है सेफ़ नहीं रहता है, बिल्कुल सेफ राइड नहीं रहती आपको, गाड़ी वगैरह ट्रक्स वगैरह के हॉर्न भी नहीं सुना देते हैं, आप लोग इतना बिजी हो जाते हो सॉन्ग में। तो सेफ़ राइड करो हमेशा, और बस हम लोग जा ही रहे हैं घर की तरफ। चलिए गाइस इतना ही रखते हैं आज का व्लॉग में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।